नाम पिंटू रजक था, पेशा स्टूडेंट है, अभी नाम है ताहिर अब्दुल्ला। सवाल यह है कि एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपने वालदाओं को मतलब उनकी खिदमत करना जरूरी है, तो अगर मेरे ईमान लाने पे उन लोगों को तकलीफ है और मेरे ईमान पे मेरे नमाज पे पढ़ने पे उन लोगों को तकलीफ है, तो इस हाल में क्या किया जाए? ईमान पे मतलब कमजोरी आती जाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कह रहे थे कि वो पहले हिंदू थे, अब इस्लाम कबूल किए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, माशाल्लाह। वो कह रहे कि अभी इस्लाम कबूल करने के बाद अगर उसकी माँ या उसके वालिद वालदेन दोनों एतराज करते हैं नमाज के ऊपर, तो भी क्या मुझे उसकी इज्जत करना चाहिए? क्या मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए? जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालदेन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया सूरह लुकमान की सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालदेन से हुस्ने सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ से तकलीफ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए, उसके फौरन बाद लिखा है। लेकिन अगर आपके वालदेन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्ने सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालदेन की इज्जत करो, हुस्ने सलूक करो, लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्ने सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फर्ज है कि आप आपके वालदेन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, ये फर्ज है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासर होना चाहिए क्या वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।